उत्तराखंड में भारी बारिश से उफान पर देहरादून के नदी नाले, जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते दिखे छात्र। उत्तराखंड में देहरादून और टिहरी की सीमा पर भूस्खलन से बनी झील में लगातार बढ़ रहा है पानी, कई घरों को हो सकता है खतरा। देहरादून में झील से खतरे को देखते हुए डीएम और एसएसपी के आदेश पर कई घरों को खाली करवाया गया। नैनीताल में हो रही लगातार बारिश और पहाड़ दरकने की घटनाओं से ब्रिटिश काल में बने राजभवन को खतरा। यूपी के बाराबंकी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। यूपी के बाराबंकी में घरों में घुसा नालों का गंदा पानी, ट्रक जैसे बड़े वाहन भी पानी में बह गए। यूपी के गोंडा में 59 गांव बाढ़ की चपेट में, हजारों एकड़ फसल तबाह, लोग घर छोड़कर ऊंची जगहों पर रहने को मजबूर। यूपी के बलिया में घाघरा नदी का पानी उफान पर, 14 गांव पानी से घिरे। यूपी के सीतापुर में बाढ़ से 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, शारदा नदी में आई बाढ़ की चपेट में करीब 2 दर्जन से ज्यादा गांव। यूपी के कन्नौज में गंगा और काली नदी में बाढ़ से कई गांव डूबे, कई बाढ़ पीड़ित बारिश में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। लखनऊ में बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर में भी घुस गया पानी। लखनऊ में भारी बारिश से बुरा हाल, चिड़ियाघर की दीवार गिरी। एमपी के महोबा में सिगाड़ी नदी उफान पर, घरों में भरा बाढ़ का पानी, छतरपुर से महोबा जाने वाले सभी रास्ते बंद। एमपी के छतरपुर में निर्माणाधीन पुलिया पानी में बही, मकान स्कूल पानी से घिरे, पानी में फंसे जानवरों को रेस्क्यू किया गया। एमपी के सिंगरौली में कई घंटे तक लगातार बारिश, नदी में तब्दील हुआ NH-75। ओडिशा के भुवनेश्वर में भारी बारिश से रेलों की आवाजाही में अड़चन, प्लेटफॉर्म पर फंसे हजारों यात्री। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से हीराकुंड बांध लबालब भरा, बांध के 25 गेट खोलकर छोड़ना पड़ा पानी। अरुणाचल प्रदेश और असम के कई जिलों में बाढ़ का हाई अलर्ट, चीन के पानी छोड़ने से लगातार बढ़ रहा है सियांग नदी का जलस्तर। अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ के हालात, वायुसेना के जवान पानी में फंसे लोगों को निकालने में जुटे। केरल के चोंडा मंगलम में बाढ़ उतरने के बाद मंदिरों, चर्च और मस्जिदों में कीचड़ की भरमार, एक ही टीम ने सभी जगह सफाई कर देश की सांप्रदायिक सद्भावना की मिसाल पेश की। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कैलाश की तस्वीर ट्वीट की। राहुल गांधी की कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर बीजेपी का वार, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल को चीन का प्रवक्ता बता दिया। कांग्रेस ने राहुल गांधी को शिव का बड़ा भक्त बताया, कांग्रेस ने बीजेपी को दिया जवाब, कहा धार्मिक यात्रा पर सवाल उठाने वालों को पाप लगेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने बतौर पीएम तीसरी बार की काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा, पूजा के जरिए मोदी ने जताया शिव भक्ति में उनका पलड़ा भारी। पीएम मोदी ने नेपाल में अपने भाषण में खुद को सोमनाथ की धरती से निकलकर विश्वनाथ की नगरी से पशुपतिनाथ की धरती पर आया बेटा बताया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में पीएम मोदी ने पशुपतिनाथ धर्मशाला का उद्घाटन किया। यूपी के गवर्नर राम नाईक ने अरविंद चतुर्वेदी की किताब द रियल मोदी का विमोचन किया, पीएम मोदी की जीवन पर है किताब। भारत में शादी की उम्र को लॉ कमीशन ने मोदी सरकार को भेजे सुझाव, पुरुषों के लिए शादी की उम्र 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष हटाकर उम्र को बराबर करने की सिफारिश की। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता पर लॉ कमीशन ने कहा कि देश को फिलहाल समान नागरिक संहिता की जरूरत नहीं। लॉ कमीशन ने मोदी सरकार को मौलिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता में संतुलन बनाने का सुझाव दिया। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 2021 की जनगणना में पहली बार पिछड़ी जातियों का आंकड़ा आएगा। देश की विकास दर में बड़ा उछाल, पहली तिमाही में 8.2% रही विकास दर, चीन से ज्यादा हुई रफ्तार। देशभर में लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल के दाम, राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 78.68 रुपए तो डीजल 70.42 रुपए लीटर। रुपए की हालत खस्ता, डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर 71 रुपए का हुआ एक डॉलर। भीमा कोरेगांव गांव में हिंसा के मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने कहा कि नक्सलियों के गिरफ्तार समर्थक गणतंत्र के जरिए गणतंत्र को गिराने की साजिश रच रहे थे।
महाराष्ट्र पुलिस ने मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि गिरफ्तार पांचों आरोपी सक्रिय माओवादी कार्यकर्ता हैं, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने सबूत के तौर पर चिट्ठियां सामने रखी हैं। इन चिट्ठियों में केंद्र सरकार को घेरने की साजिश, भीमा कोरेगांव हिंसा के जरिए दलित मूवमेंट को देश में फैलाने का जिक्र है। साथ ही महाराष्ट्र पुलिस ने उन चिट्ठियों को सामने रखा जिनमें अनुसूचित जाति के नेताओं की मदद से सरकार गिराने की बात कही गई है और चिट्ठियों में कांग्रेस से मिलने वाली मदद का भी जिक्र है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने अगवा किए सभी 11 पुलिस वालों के परिजनों को छोड़ दिया है। आतंकियों ने एसपीओ को धमकी दी है वो नौकरी छोड़ दें, जिसके बाद 3 एसपीओ ने नौकरी छोड़ भी दी। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 35A के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब जनवरी में होगी। कल दूसरे दिन भी बंद रहा श्रीनगर। मेजर गोगोई से आर्मी चीफ कमेंडेशन मेडल वापस लेने की मांग। जीप से बांधे गए फारूख डार के वकील ने की एक और कोर्ट मार्शल की मांग। पटना के आसरा होम में एक और महिला की मौत। पीएमसीएच में भर्ती कराई गई थी महिला। इससे पहले भी आसरा होम में 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। एक जरूरी सूचना, एबीपी न्यूज पर 10 अगस्त को सनातन संस्था की खबर में भूलवश आरोपी वैभव राउत के साथ फोटो में बीजेपी विधायक मनीषा अशोक चौधरी की तस्वीर भी दिखाई गई, इसका हमें खेद है। यूपी में समाजवादी पार्टी से अलग हुए शिवपाल यादव, सेक्युलर मोर्चा के नाम पर किया सम्मेलन, सभी सीटों पर लड़ने का ऐलान। बागपत के बुढ़ाणा में शिवपाल की रैली, मंच पर लगे थे मुलायम के बड़े पोस्टर, सभी पार्टियों के नाराज नेताओं से साथ आने की अपील। बरेली पहुंचे यूपी के मंत्री ओम प्रकाश, राजभर का सीएम योगी पर निशाना, कहा ड्राइवर नया इंजन पुराना। मथुरा को सीएम योगी ने दिया 367 करोड़ की योजनाओं का तोहफा। बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी ने सुल्तानपुर जिले का नाम बदल कुश भवनपुर करने की मांग की। बिहार में एनडीए की सीटों के बंटवारे पर चल रही चर्चा पर उपेंद्र कुशवाहा का निशाना, कहा एनडीए में कुछ लोग मोदी को पीएम बनाने से रोकना चाहते हैं। चर्चा चल रही है कि बिहार में कुशवाहा की पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिलेंगी। कुशवाहा ने ताकत के दम पर सीटों की मांग रखी। 16 सितंबर को जेडीयू की बैठक से पहले हो सकता है बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे का ऐलान। सवर्ण समाज ने अशोकनगर और गुना में कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजस्थान के धौलपुर में नगर परिषद की बैठक में जमकर हुआ हंगामा, आपस में भिड़े पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि। राजस्थान के भरतपुर में छात्र संघ चुनाव में खड़े उम्मीदवारों ने सड़क पर लेट लेट कर मांगे लड़कियों से वोट। गुरुग्राम में फिर गरमाया खुले में नमाज का मामला, कुछ हिंदुओं ने खुले में नमाज के खिलाफ दी भूख हड़ताल की धमकी। तमिलनाडु में डीएमके को लुभाने में जुटी बीजेपी, नितिन गडकरी ने कहा दोनों की विचारधारा काफी मिलती जुलती है। पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा ने कहा कांग्रेस जेडीएस गठबंधन में सब कुछ ठीक है, दोनों मिलकर बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे। आज सुबह 10 बजे एबीपी न्यूज पर देखिए शिखर समागम, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह और अखिलेश यादव से होगी चर्चा। सिंगल मदर अभिभावकों और उनके बच्चों के लिए अच्छी खबर है। पैन कार्ड पर सिंगल मदर के बच्चों को पिता का नाम देना जरूरी नहीं होगा, इनकम टैक्स विभाग कर रहा है विचार। मुंबई के चारकोप इलाके में स्कूल की कैंटीन में छात्रा के साथ छेड़खानी, छात्रा के घर वालों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया, सीसीटीवी के जरिए हो रही है आरोपी की तलाश। मेरठ में जुए के रुपयों को लेकर विवाद, थाने में 2 गुट भिड़े, करीब आधा दर्जन लोग घायल। गुजरात के मेहसाणा में अनुसूचित जाति के एक शख्स की मौत के बाद गांव वालों ने शमशान का रास्ता बंद कर दिया, जिसकी वजह से घर में लाश लेकर परिवार बैठा रहा, करीब 15 घंटे के बाद हरकत में आई पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में महिला थाना इंचार्ज ने मनचलों को सिखाया सबक, सादी वर्दी में स्कूल कॉलेज के बाहर खड़े मनचलों से पकड़वाए कान। यूपी के शाहजहांपुर में दिव्यांग रेप पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार, आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर पति के साथ जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठी। पंजाब के गुरदासपुर में स्कूल से घर लौट रही छात्रा के साथ हुआ रेप, आरोपी शख्स की लड़की के घर वालों ने जमकर पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। मध्य प्रदेश के दतिया में दबंगों की गुंडागर्दी आई सामने, अश्लील छींटाकशी का जवाब देने पर शख्स ने महिला की चप्पलों से पिटाई कर दी। एमपी के विदिशा में सरेआम 2 किसानों की पिटाई करने वाले 2 पुलिसकर्मी निलंबित, एसपी ने दिए जांच के आदेश।
एमपी के इंदौर में एक पटवारी की काली कमाई का खुलासा, छापेमारी में 18 करोड़ का मालिक निकला पटवारी जाकिर हुसैन। राजस्थान के जयपुर में नशे में गाड़ी चला रहे शख्स ने फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कुचला, दो की मौत दो घायल, गाड़ी चला रहे बीजेपी नेता के बेटे के खिलाफ मामला दर्ज। लखनऊ में यूपी के डीजी होमगार्ड की फेयरवेल पार्टी में एक होमगार्ड ने खुद को आग लगा ली। मुंबई से सटे विरार में बीजेपी के नेता विक्की चौधरी पर थाने में घुसकर पुलिसकर्मी से मारपीट और बदसलूकी का आरोप। मानव तस्करी के जरिए हैदराबाद से सऊदी अरब के रिहाद ले जाई गई महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।